वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास जियो का कीपैड मोबाइल आया है अनलॉकिंग के लिए। तो गाइस इसे किस तरह से फॉर्मेट करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूं। तो गाइस ये जो है जियो का F320 मॉडल है, लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके लिए गाइस पहले फ़ोन को हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ये जो नया वर्जन आया है ये पावर बटन से स्विच ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें लगा हुआ है लॉक। जब तक लॉक नहीं डालेंगे तब तक ये स्विच ऑफ नहीं होगा। किसी किसी हैंडसेट में हो रहा है और किसी किसी हैंडसेट में नहीं हो रहा है। तो सिंपली जो है हमें इसका बैटरी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका मैं पावर बटन प्रेस करके रखा था, ये ऑफ नहीं हो रहा है। और यहाँ से मैं आप लोग को मॉडल नंबर भी चेक करा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है जियो का F320 लेटेस्ट वर्जन, इसमें सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर देख सकते हो जियो F320B। तो जो है इसे किस तरह से फॉर्मेट करना है, इसमें लगा हुआ है लॉक, कस्टमर लॉक इसे भूल गया है। तो यहाँ पे फ़ोन हो गया है स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे स्टार और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा आपको पावर बटन को छोड़ देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करके करना है क्योंकि इमेज में मैंने फ़ोन को चालू करके दिखाया था। तो यहाँ फ़ोन ऑन हो गया, मैंने पावर बटन छोड़ दिया है। अभी सिंपली जो है यहाँ पे ब्लैक डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार बटन है होम वाला, आपको नीचे की तरफ जो है प्रेस करना है और ये बूट मोड पर चले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे चौथे नंबर पर जो है गाइस इस फ़ोन का फैक्ट्री रिसीट लिखा हुआ रहेगा। आपको फैक्ट्री रिसेट के लिए पावर बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आ जाना है, यस को सिलेक्ट करके वापस आपको पावर बटन प्रेस कर देना है। फिर से परमिशन मांगेंगे तो फिर आपको यस पे आके फिर पावर बटन को प्रेस कर देना है। और इसमें जो लगा हुआ लॉक रहेगा गाइस ये पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। ये फ़ोन जिस तरह से आपने कंपनी से लिया था उस तरीका हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से फॉर्मेट। तो देख सकते हैं गाइस जियो F320 मॉडल को फॉर्मेट करना कितना इजी है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइमिंग लगता है फ़ोन फॉर्मेट होने में, ऑन होने के लिए। आप ये मत सोचो कि फ़ोन हैंगिंग लोगों पे चले गया है, यहाँ पे फॉर्मेट होने में थोड़ा सा फ़ोन, कोई फ़ोन 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे भी लेता है। अगर लोगों पे रुक जाता है, अगर ये आधा घंटा हो जा रहा है, अगर नहीं आगे बढ़ रहा है, तो आपको सिंपली जो है बैटरी निकाल के वापस से सेम मेथड प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। कुछ कुछ फ़ोनों में जो है थोड़ा सा टाइमिंग लेता है और कुछ कुछ फ़ोनों में फटाक से हो जाता है। तो यहाँ पे वीडियो में दिखाए गए मेथड से गाइस इसके वीडियो को मैंने थोड़ा सा कट किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इस तरह मैंने इसे थोड़ा सा कट कर दिया था जिसके कारण आप लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप लोग को सिंपली जो है जिस तरह से मैंने वीडियो के मेथड में दिखाया है किस तरह से इसे फॉर्मेट करना है, लॉक को रिमूव करना है, तो देख सकते हैं फ़ोन कंप्लीट चालू हो गया है। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।